गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अनुज तिवारी, आप सभी का कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टूल बार के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टूल बार हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है ये हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, टूल बार के बारे में देखते हैं। इट कॉन्टेंस बटन्स और आइकन्स दैट आर शॉर्टकट्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कॉमन टास्क। स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शंस होता है, जो ऑप्शंस होते हैं इस टूल बार में, वो आइकन में दिखाई देते हैं, जिनको यूज हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्क्रॉल बार। इट वर्क्स लाइक अ लिस्ट बॉक्स एंड हेल्प्स टू मूव द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट अप और डाउन और राइट और लेफ्ट और राइट। इसका इस्तेमाल हम लोग पेज को मूव करने में कर सकते हैं। पेज को अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो इसी स्क्रॉल बार के द्वारा हम ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट ऊपर चला गया है, नीचे करके देखना है, तो आप इसी स्क्रॉल बार के द्वारा नीचे कर सकते हैं। लेफ्ट में अगर टेक्स्ट आपको चला गया है तो राइट में कर सकते हैं, और राइट में चला गया है तो लेफ्ट में करके इसको हम देख सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है स्टेटस बार। इट इज़ अ हॉरिजेंटल एरिया बिलो अ विंडोज। विंडो के नीचे ये एक पड़ी लाइन होती है, पड़ी पट्टी होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट स्टेटस ऑफ व्हाट यू आर व्यूइंग इन द विंडोज एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कितना वर्ड लिखे आप, कितना पेज आपने टाइप किया, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स हैं जो ये स्टेटस बार आपको दिखलाता है। उसके बाद आता है टास्क बार। तो चलते हैं टास्क बार के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट मेनू बटन, क्विक लंच बार, अनेबल एंड डिसेबल एप्लीकेशन विंडोज एंड सिस्टम ट्राई कंटेनिंग डेट टाइम आइकन्स एंड TSRS। ये स्टार्ट मेनू जो होता है उससे मिलकर के ये बना होता है। जो स्टार्ट मेनू का जो पट्टी होता है उसी से ये मिलकर बना होता है। इसमें लंच, क्विक लंच बार, डिसेबल एप्लीकेशंस, डेट टाइम आइकन्स, ये सभी चीज़ इसमें दिए गए होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितना भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका फेयर ज़रूर बनाइए आप, क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो ओपन होने के बाद जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उन सब का फेयर चेक किया जाएगा। मेरे पास भी उसका नोट्स है और उसी के बेस पर आपका फेयर चेक किया जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको याद करते रहिए। थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप उसको लिख लीजिए और उसी समय उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय आपको पढ़ना पड़ता है और सभी विषय में थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा आपको तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, फेयर में लिखिए, इसको याद कीजिए। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।